हे गाइस हेलो एवरीवन, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट इंग्लिश वोकैबुलरी निकाली आप लोगों के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आजकल न्यूज़ में बहुत प्रचलित है और आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो मैं बुशरा आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स लेकर आई हूँ इंग्लिश वोकैब, इसे आप टाइपिंग डिक्टेशन के तौर पर भी लिखें। पहले लिख लें सारे वर्ड और फिर आप इनको या रिकॉर्ड कर लें प्ले करके, आप इनको टाइपिंग डिक्टेशन, वैसे मैं डिक्टेशन अलग से रिकॉर्ड करूँगी, जो लोग टाइपिंग डिक्टेशन चाहते हैं उनके लिए अलग से एक रिकॉर्ड करके भेजूँगी। फिलहाल इंग्लिश वोकैबुलरी के कुछ वर्ड्स हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है। रिपेट्रिएशन, पहला वर्ड है रिपेट्रिएशन, R-E-P-A-T-R-I, फिर ए T-I-O-N, रिपेट्रिएशन, R-E-P-A-T-R-I, रिपेट्री, R-E-P-A-T-R-I, फिर ए लगा देंगे, रिपेट्री, T-I-O-N, रिपेट्रिएशन, इसका मीनिंग है देश प्रतिवर्तन, देश प्रतिवर्तन, प्रतिवर्तन, देश प्रतिवर्तन, प्रतिवर्तन आप लोग हिंदी की डिक्शनरी में देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। प्रतिवर्तन कोई मुश्किल वर्ड नहीं है। पहला वर्ड, दूसरा वर्ड है इंटरवीन, I-N-T-E-R-V-E-N-E-D, इंटरवीन वर्ड होता है, ईडी मैंने लगा दिया है, इसका मतलब है हस्तक्षेप किया, डैश लगा के मैंने लिखा है, हस्तक्षेप किया। तो पहला वर्ड था रिपेट्रिएशन, इसका मतलब देश प्रतिवर्तन, दूसरा है इंटरवीन, इंटरवीन मैंने लिखा है, ईडी लगा दिया है, तो इको किया हो गया, इंटरवीन माने हस्तक्षेप, इंटरवीन माने ईडी लगा दिया तो हस्तक्षेप किया। तीसरा है क्रिटिकली, ये इसकी स्पेलिंग आपको पता होगी, C-R-I-T-I-C-A-L-L-Y, C-A-L-L-Y, क्रिटिकली मीन गंभीर, क्या गंभीर, spelling error and fear, तीन वर्ड हो गए, फोर्थ वर्ड है spelling error forecast, forecast, ये वर्ड बहुत बहुत ही फेमस है, आजकल मानसून का दौर है, इसमें ये वर्ड बहुत यूज होता है, एफ ओ आर ई सी ए एस टी, एफ ओ आर ई सी ए एस टी, इसका मीनिंग है पूर्व अनुमान, क्या पूर्व अनुमान, फोरकास्ट का मीनिंग पूर्व अनुमान। फिफ्थ वर्ड है आइसोलेटेड, जी 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 एक सेकेंड, सेट बटन अप, तो हम बात करें आइसोलेटेड की, ठीक है। इंग्लिश वोकैबुलरी डी, आउटस्टैंडिंग एरर स्टेज, स्टैंडिंग एरर एल आर ला, आउटस्टैंडिंग एरर टास्क दैट लूजेस, स्टैंडिंग एरर, स्टैंडिंग एरर, आउटस्टैंड, स्टैंडिंग एरर फ्लावर डाउन, the text are that step out of task, standing error face to set. Intervene, repatriation, intervene. Clear out of task, standing error and clear. Digital, sorry, gambhir, retreat kata. Out of standing error forecast. Forecast, abhinu ta purv anuman. F-O-R-E-C-A-S-T. O-R-O-F-O-F, standing error, out of standing error stays. Sorry, yep. F-O-R-E-C-A-N-T, task. Standing error, P. Purv anuman likha hai mante. Out of standing error, isolated. Repatriation, out of standing error, step out task, clear. Out of task, standing error, and clear. पूर्वानुमान किसका मीनिंग है, फोरकास्ट, आइसोलेटेड मतलब एकांत, आइसोलेटेड को मीनिंग होता है एकांत, आइसोलेटेड डैश मैंने करके लिखा है, इसका मीनिंग एकांत। आपने देखा होगा फोरकास्ट के साथ ये आइसोलेटेड का मीनिंग बहुत यूज होता है, फोरकास्ट आइसोलेटेड कौन करता है, ये मेट्रियोलॉजिकल डिपार्टमेंट करता है, मेट्रियोलॉजिकल, ठीक है, कौन,
मेट्रोलॉजिकल, मेट्रोलॉजिकल नहीं होता है, मेट्रोलॉजिकल, मेट्रो METEO फिर RO फिर लॉजिकल, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट करता है मौसम विभाग, ये फॉरकास्ट आइसोलेटेड का यूज, पूर्वानुमान फॉरकास्ट आइसोलेटेड एकाकी यानी का एकाकी यानी उनका ठोस पूर्वानुमान, यानी पहले से जो उनका अंदाजा है ठोस, बारिश आनी है तो आनी है, ठीक है, खाली दो दिन में आए, तीन दिन में आए। रिट्रीट, रिट्रीट ये बहुत अच्छा वर्ड है, RETREAT इसका मीनिंग होता है पीछे हटना या पीछे हटाना, पीछे हटना या पीछे हटाना, रिट्रीट। अच्छा नेक्स्ट वर्ड है एरेस्ट, ये बहुत अच्छा वर्ड है, निकालना, इलिसिट मीन निकालना, किसी चीज से इलिसिट करना, निकालना, किसी चीज से फंस गए हैं तो इलिसिट मतलब निकालना। ये आई से एक वर्ड है, immensely इसका मीनिंग है बेहद, क्या है बेहद, vigor, vigour, vigour, vigor, vigor माने बेहद, vigor माने सॉरी ताकत, immensely माने बेहद, vigor माने ताकत, immensely, immensely माने बेहद, फिर से सुन लीजिए, immensely माने बेहद, और vigor, vigour, vigor माने ताकत, vigor माने ताकत। अच्छा ये हर बार स्पेलिंग एरर क्यों बोल रहा है, क्योंकि मैंने इंग्लिश के वर्ड्स के साथ डैश करके हिंदी के मीनिंग लिख रखे हैं, इंग्लिश वर्ड्स के साथ डैश करके हिंदी मीनिंग लिख रखे हैं, इसलिए बोल रहा है हर बार स्पेलिंग एरर। जब इंग्लिश हिंदी को एक साथ लिखेंगे तो हिंदी के जो वर्ड्स होते हैं वो इंग्लिश में नहीं होते, इसलिए स्पेलिंग एरर बोलता है, ठीक है। इंग्लिश माने आई से है बेहद, विगर माने VIGOUR ताकत, ठीक है, विगर माने ताकत, नेक्स्ट वर्ड फिर बोलेगा स्पेलिंग एरर, रैपिंग, रैपिंग मीन रैपिंग होता है रैप करना, ठीक है, स्पेलिंग एरर वेटिंग, स्पेलिंग एरर एम्बार्क, एम्बार्क ये बहुत अच्छा वर्ड है, EMBARK ED मैंने लगा दिया है, EMBARK ED एम्बार्क माने शुरू किया या शुरू, शुरू, एम्बार्क माने शुरू, शुरू किया या शुरू, लेग माने टांग, एलईजी लेग माने टांग या पैर, आप जानते हो टांग गड़ाना इन लेग, ठीक है, योर लेग माने टांग सिंपली, अब है relentless, बहुत अच्छा वर्ड है, RELENTLE SS Yes, relentless. Stay RELENTLE ESS RELENTLE SS relentless. इसका मतलब है दयावान, ये दयाहीन। Yes, standing every day. दयाहीन। सॉरी दयावान नहीं, दयाहीन, जिसमें कोई दया नहीं है, रिलेंटलेस मीन दयाहीन, ठीक है, दयाहीन क्या है, दयाहीन,
उसकी बहुत दयाहीन स्थिति है, ठीक है। relentless माने दयाहीन। grievances क्या है? next word grievances या grievances। grievances stay grievances दोबारा grievances जी सुनो जी जी आर आई ई वी ए एन जी आर आई ई चार लेटर याद रखेंगे जी आर आई ई वी ए एन सी ई एस ग्रीवेंसेस डैश शिकायत पब्लिक ग्रीवेंसेस यानी लोगों की शिकायतें पब्लिक की शिकायतें ग्रीवेंसेस मीन शिकायतें जी आर आई ई वी ए एन सी ई एस ग्रीवेंसेस मीन शिकायतें या पब्लिक की शिकायतें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट सेशन में फिर से मैं कंटिन्यू करूँगी। अगर आपको पसंद आएगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को हिट जरूर करें और आप लोग पसंद आए ट्यूटोरियल तो ज़रूर अपने अच्छे अच्छे फीडबैक्स दें, ठीक है। तो इनफ फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।